हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी द ब्लॉगर। आज हम जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर देखने के लिए। कितना कुछ देख सकते हैं या नहीं, तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट गाइस। हम जा रहे हैं गीतालदा बॉर्डर देखने के लिए। कूचबिहार जिले में 549.45 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा है। उसके कुछ हिस्से हैं हमारे नोन एरिया में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। हमारे घर से 13 किलोमीटर दूर है बाय रोड। हमें पता भी नहीं वहाँ जाने के लिए BSF से परमिशन मिलेगी या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। सीमा पर BSF के जवानों की भारी तैनाती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में तस्करी, घुसपैठ और संपत्ति अपराधों जैसे अपराधों में काफ़ी कमी आई है। BSF अवैध गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और हम जैसे आम पब्लिक को सिक्योरिटी प्रदान कर रही है। हमारे ज़िले में BSF की 8 बटालियन तैनात है। हम जहाँ जा रहे हैं, पहले रोड की दोनों तरफ एक खुला ज़मीन और खेत दिखा जाते थे। हालांकि आज हालात में बिल्कुल अपोजिट है। रोड साइड पर बहुत सारे घर पब्लिक रहने लगे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। शायद इनमें से 80% लोग है फ्रॉम बांग्लादेश। हम जाना चाहते थे बॉर्डर हाथ देखने के लिए। संवाद में हमने देखा बॉर्डर हाथ शुरू होने वाला है फिर से, जहाँ पे दोनों देशों की सामान आएगी और ख़रीदारी भी होगी। तो वैसा कुछ आशा करके ही हम जा रहे थे। गाइस, हम पहुँच गए हैं गीतालदा। अब देख सकते हैं बैटलियन हाउस, वहाँ पर शायद BSF जवानें भी तैनात है। बाकी अगर बात करें तो 1962-70 या उससे पहले से ही बांग्लादेश इंडिया में ट्रेन चलती थी और बांग्लादेश कॉरिडोर था गीतालदा, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। जिस रोड से जा रहे थे, आगे जाकर वो ख़त्म हो जाती है और दो साइड डिवाइड हो जाती है। एक तो आ जाती है ऐसी पथरीली मिट्टी के रोड, जहाँ से हम जा रहे थे दोनों तरफ जो लोग थे, ऑल आर मुस्लिम्स एंड ऑल आर फ्रॉम बिलोंग्स बांग्लादेश। उनकी हाव भाव बातचीत से ऐसे ही कुछ पता चल रहा था। तो आगे हम जाके कुछ और से पूछे कि वो ब्रिज जाने की रास्ता किधर है, तो उन्होंने दिखाई दिया है पीछे। तो राइट साइड से हम लोग चले गए थे। एकदम सुनसान था इलाका, हम किसी को जानते भी नहीं थे। अगर वहाँ कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट, तो कोई भी नहीं है हमारे तरफ से बोलने के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी से गए, लेकिन ज़्यादा तो नहीं गए क्योंकि वहाँ हमें कोई BSF जवान दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब लोग गाइस वो ब्रिज देख रहे थे। ब्रिज के इस तरफ पे इंडिया और वो दूसरी तरफ पे बांग्लादेश, उसके दूसरी तरफ बांग्लादेश है और वहाँ पर शायद लालमनी हाट नाम का कोई स्टेशन होगा। तो पहले तो चलता था, अब तो बंद है। और नीचे जो आप देख रहे हैं वो धरला नदी है। लोग वहाँ पर पानी नहीं है इसलिए चल फिर रहे हैं। यहाँ तक आने के लिए हमें कूचबिहार जिले के अंदर स्थित बांग्लादेशी छिटमहल के ऊपर से आए हैं। ऐसे ही छिटमहल बांग्लादेश में भी स्थित है। तो भारत सरकार की तरफ से बुनियादी मानवाधिकार, शिक्षा, बिजली, स्वच्छ पेयजल और अच्छी आजीविका तक पहुँचाने की कोशिश जारी है। तो अभी भी बांग्लादेश बॉर्डर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, जहाँ धरला नदी को पार करके फिर पैदल चलना पड़ता है। शायद ऐसा ही मैंने कुछ सुना वहाँ पर। तो हम लोग उतने दूर नहीं गए, जस्ट ब्रिज दूर से देखकर चले आए। जान है तो पहचान है, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग देखिए वीडियो में जा रही हूँ घर। शुभ अक्षय तृतीया। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।